1 अगस्त 2024 का दिन गरीब दलित और आदिवासियों के लिए बहुत निर्णायक दिन है और कहीं न कहीं उनके उत्थान का दिन माना जाएगा। आजादी के इतने साल बाद तक गरीब आदिवासी और दलित आज भी आरक्षण का फायदा नहीं ले पाए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही है कि उनके ही स्वयं घोषित जो दलित नेता है, जो दलित ठेकेदार हैं, जो पहली पंक्ति में खड़े होकर कई सालों तक आरक्षण की मलाई खा रहे थे, वो अब नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह कहा है कि कोटे के अंदर अलग से कोटे की व्यवस्था हो, यानी कि एससी कोटे में वे लोग जिनको आरक्षण का फायदा अभी तक नहीं मिला है, जो आज भी आरक्षण के फायदे से वंचित हैं, उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था हो। यानी यूं मानिए कि 100% रिजर्वेशन एससी को मिल रहा है, तो उसमें से 50% या 40% ऐसे कोटे वाले व्यक्तियों को हो जिनको अभी तक आरक्षण का फायदा नहीं मिला है। यानी कि अब मान लीजिए अगर कोई वैकेंसी निकलती है जिसमें 15 पद एससी के लिए हैं, तो 15 में से 7 ऐसे लोगों के लिए होंगे जिनको अभी तक आरक्षण का फायदा नहीं मिला है। तो ये जो फैसला है, ये किसी भी तरीके से दलित विरोधी नहीं है, किसी भी तरीके से आदिवासियों के विरोधी नहीं है, इसमें किसी भी स्वर्ण का फायदा नहीं है। इसमें सिर्फ अगर फायदा होगा तो एससी के ही व्यक्ति का होगा, एसटी के ही व्यक्ति होगा। बावजूद उसके इस देश में जो तथाकथित दलित नेता है, दलित चिंतक है, दलित हितैषी है, वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम वापस से 2018 की तरह सड़कों पर उतरेंगे, भारत बंद करेंगे, इस फैसले का विरोध करेंगे। लोगों को गलत जानकारी देके मैनिपुलेट करने का काम वापस से शुरू हो गया। ये कहीं से कहीं तक आपके हितैषी नहीं है। गरीब दलितों के अगर हमेशा से कोई विरोधी रहे हैं, तो ऐसे ही तथाकथित दलित नेता, स्वयं घोषित दलित एक्टिविटीज, स्वयं घोषित दलित चिंतक, ये जो है यही सबसे बड़े समाज के विरोधी रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि समाज का गरीब व्यक्ति आगे बढ़े, ये नहीं चाहते कि नाली साफ करने वाले का बेटा आगे बढ़े, ये नहीं चाहते कि मजदूरी करने वाले का बेटा आगे बढ़े। ये सिर्फ और सिर्फ जो नेता है उनकी चाटुकारिता करते हैं और उन्हीं की बातों में आकर अपने ट्वीट से लोगों के साथ गलत जानकारी शेयर करते हैं। तो मैं समाज के गरीब लोगों से कहना चाहता हूं कि जो कल का फैसला है 1 अगस्त 2024 का, वो फैसला बहुत निर्णायक है गरीब आदिवासी दलितों के लिए। अब बात ये आती है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे, तो उसके लिए आपको समझना होगा 2006 में पंजाब राज्य ने मजहबी सिखों और वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए एससी का जो आरक्षण मिल रहा था उसमें से 50% आरक्षण इनको देने की व्यवस्था की। यानी कि अगर 15% रिजर्वेशन मिल रहा है तो उसमें से 7.5% मजहबी सिखों और वाल्मीकि समाज के लोगों को मिलेगा। इसका विरोध हुआ, ये मामला हाईकोर्ट में गया पंजाब की, वहां इसको निरस्त कर दिया गया। तो पंजाब राज्य इसको लेकर वापस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और यही मामला तब से चल रहा था जिसका कल अंतिम फैसला आया है। और उसमें यह कहा गया है कि जो कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था है उसके लिए राज्य सरकारें बाध्य नहीं है, राज्य सरकारें चाहे तो कोटे के अंदर कोटा देकर जो वर्गीकरण समाज का होना है वो कर सकती है, और जिससे कि जो गरीब दलित है, गरीब आदिवासी, उसको इसका फायदा मिलेगा। अब इसमें किसी भी तरीके से कोई दलित विरोधी बात नहीं है, न इसमें किसी स्वर्ण का फायदा है। अगर कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था होती है तो उसी कोटे के व्यक्तियों को आरक्षण का फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्रिमिनल एज जैसी व्यवस्था पर भी विचार होना चाहिए। समाज के वे लोग जो आज अमीरी के पायदान पर हैं, वो गरीबों का आरक्षण ले रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है, इस पर भी विचार करना चाहिए। हालांकि क्रिमिनल एज पर कोई खुल के बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था है, इसमें भी गरीबों को बहुत बड़ा फायदा होगा, गरीब दलितों का, गरीब आदिवासियों का। लेकिन बावजूद इसके लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। 7 जजों की बेंच पर ये पूरा मामला था जिसमें से 6-1 से फैसला आया, और इस जजमेंट के तुरंत बाद बहुत सारे जो राजनीतिक लोग हैं वो सक्रिय हो गए और इस पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक तरीके से ये देख के चले कि अगर क्या वाकई में इससे दलित आदिवासियों का हित होगा, तो बिल्कुल जो गरीब और आदिवासी समाज के लोग हैं उनका इससे फायदा होगा। क्यों? क्योंकि कोटे के अंदर ही कोटे की व्यवस्था की गई है, अलग से व्यवस्था नहीं की गई है। जो आरक्षण अभी मिल रहा है उसमें से 50% जो गरीब दलित आदिवासी होगा उसको मिलेगा। गरीबों के लिए अगर कोई अलग से व्यवस्था हो रही है, अलग से अगर कोई चीज तैयार की जा रही है, तो उसमें आदिवासियों को क्या दिक्कत है, उसमें दलितों को क्या दिक्कत है? तो ये एक बहुत सही जजमेंट है और इससे कहीं ना कहीं समाज में जो लोगों को अभी तक आरक्षण नहीं मिल पा रहा था, उन तक आरक्षण की व्यवस्था पहुंचेगी। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।